नमस्कार दोस्तों, आओ सीखे चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए 6 महीने से 1.5 साल के बेबी के लिए है, आज हम इसमें डिज़ाइन सेट करेंगे, फंदों को डिवाइड करेंगे, डिज़ाइन सेट करेंगे, बटन होल बनाएंगे और मुड्ढे तक कंप्लीट करेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, हम स्वेटर बनाते हैं। सिलाई में 76 स्टिचेस डाले हुए हैं और सिंगल धागे से फंदे डाले हैं। तो फंदों को मैंने इस तरह डिवाइड किया है, साथ साथ फंदे दोनों बॉर्डर के हो जाएंगे, बट और 6-6 फंदे फ्रंट के, साथ साथ फंदे बॉर्डर के, 6-6 फंदे फ्रंट के, 6-6 फंदे आस्तीन के, 18 फंदे बैक पोर्शन के और 5-5 फंदे हमारे डिवाइडर के। तो हमने इस तरह 76 फंदों को डिवाइड किया है, 7 फंदा बॉर्डर का, 6 फंदा फ्रंट पार्ट का, 5 फंदा फर्स्ट डिवाइडर का, 6 फंदा आस्तीन का, 5 फंदा सेकंड डिवाइडर का, 18 फंदा बैक पोर्शन का, 5 फंदा थर्ड डिवाइडर का, 6 फंदा हमारे सेकंड आस्तीन का, 5 फंदा फोर्थ डिवाइडर का, 6 फंदा सेकंड फ्रंट पार्ट का और 7 फंदा हमारा बॉर्डर का। तो 76 फंदों को हमने इस तरह डिवाइड किया है। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम बुनाई करते हैं। तो पहले हम ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और 2 फंदा सीधा बनाएंगे। और अब यहाँ पे हमें बटन होल बनाना है, इसलिए उनको अपनी ओर करेंगे और 2 फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बनाएंगे। 2 फंदों को एक साथ लेने से फंदे यहाँ पे बटन होल बनाने से फंदे बढ़ रहे हैं और 2 फंदों को एक साथ लेने से फंदे घट भी गए, यानी हमारे जितने फंदे थे उतने ही वापस रह जाएंगे, फंदे यहाँ बढ़ेंगे नहीं। तो ये 5 फंदा हो गया और 2 फंदा और ये 7 फंदा हमारा बटन होल का हो गया। अब हम 6 फंदे फ्रंट पार्ट के बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और अब यहाँ पे हम अपना फर्स्ट डिवाइडर बनाएंगे। तो डिवाइडर बनाने से पहले उनको हमेशा अपनी तरफ कर लेते हैं, तो उनको अपनी तरफ किया और 5 फंदे सीधे बनाएंगे, 1, 2, 3, 4, 5 फंदे डिवाइडर के बुनने के बाद उन अपनी ओर कर देंगे, क्योंकि हम डिवाइडर के दोनों तरफ जाली डालते हैं तो उन अपनी ओर कर लेंगे। और हम फिर 6 फंदा आस्तीन का बनाएंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 और 6 फंदा। फिर यहाँ पे हम अपना दूसरा डिवाइडर बनाएंगे, तो उन अपनी ओर कर लेंगे और डिवाइडर के 5 फंदे हमने निश्चित किए हैं, तो 5 फंदे सीधे बना लेंगे, 3, 4, 5। और फिर उन अपनी ओर करेंगे और 18 फंदे हम बैक पोर्शन के बना लेंगे। तो 18 फंदे ये बैक पोर्शन के हो गए हैं। अब उन अपनी ओर करेंगे और थर्ड डिवाइडर बनाएंगे, तो उन अपनी ओर करेंगे, 5 फंदे सीधे, 2, 3, 4 और 5। फिर उन अपनी ओर करेंगे और हम यहाँ पे अपना सेकंड आस्तीन बनाएंगे, तो 6 फंदा सीधा, 2, 3, 4, 5, 6। फिर उन अपनी ओर करेंगे और ये हमारा फोर्थ डिवाइडर, 1, 2, 3, 4, 5। फिर उन अपनी ओर करेंगे और ये हमारा सेकंड फ्रंट पार्ट है, तो 6 फंदा सीधा बना लेंगे, 1, 2, 3, 4, 5, 6 और 7 फंदा हमारा ये बॉर्डर का। और रॉन्ग साइड से ये बॉर्डर के
सात फंदे हम सीधे बना लेंगे, तीन चार पाँच छः सात, और बाकी फंदे बीच के उल्टे बनाएंगे, और लास्ट के सात फंदे चूँकि बॉर्डर के हैं तो इन्हें भी हम सीधा बनाएंगे। सात फंदे बॉर्डर के सीधे, फिर सभी फंदे उल्टे, फिर लास्ट के सात फंदे सीधे। अब फिर ये बॉर्डर के बाद तीसरा लाइन है, पहले फंदे में से पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे और छः फंदा सीधा। तो ये सात फंदे हमारे बॉर्डर के हो गए, और ये देखिए बटन होल बन गया है। और पिछली लाइन में छः फंदे फ्रंट के थे एक जाली बनने से, अब ये सात फंदे हो गए हैं, तो सात फंदे हम फ्रंट के बना लेंगे। अब इस जाली के ऊपर हम जाली डालेंगे और दो फंदों को, अब ये हमारा डिवाइडर है इसमें हम डिज़ाइन बनाएंगे, तो दो फंदों को हम ऐसे लेंगे और दो का एक कर लेंगे। अब ऊन अपनी ओर करेंगे अगले फंदे में जाली देते हुए सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, इस फंदे को हम ऐसे सीधा करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और बैक साइड से एक सीधा फंदा बना लेंगे। तो ये हमारा पांच फंदा डिवाइडर का हो गया। और अब चूँकि डिवाइडर के दोनों तरफ हम जाली बनाते हैं, तो इसलिए जाली ऊन अपनी ओर करेंगे और ये आस्तीन के फंदे बुनेंगे। पिछली फंदे में छः फंदे थे, पिछली लाइन में छः फंदे थे, और दोनों ओर जाली बनने से अब ये आठ फंदे हो गए हैं, तो आठ फंदा सीधा बना लेंगे। फिर हमें डिवाइडर के दूसरी तरफ जाली देना है, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे, और यहाँ पे अब डिवाइडर पे हम डिज़ाइन सेट करेंगे। तो ध्यान से देखिएगा, दो फंदों को एक साथ लेंगे और एक सीधा फंदा बना लेंगे। डिवाइडर के पहले जाली देना है, इसलिए ऊन को अपनी ओर किया, फिर दो फंदों को एक साथ लिया और जाली बनाया, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और एक फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, फिर ऊन अपनी ओर किया, अगले फंदे को ऐसे सीधा करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक कर लेंगे। तो ये हमारे देखिए पांच फंदे हो गए, एक दो तीन चार पांच, और यहाँ पे हमारा डिज़ाइन सेट हो गया। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और ये बैक के 18 फंदे थे जो दो जाली बनने से, अब ये 20 फंदे हो गए हैं, तो 20 फंदे हम सीधा बना लेंगे। अब ये हमारा थर्ड डिवाइडर आ गया। तो फिर से ध्यान दीजिएगा, उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे, उनको अपनी ओर किया, ये डिवाइडर के बगल में जो जाली बनाते हैं ये उसके लिए किया, तो दो उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक। फिर यहाँ पे एक फंदा घट गया, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे इस फंदे को बैलेंस करने के लिए, और अगले फंदे में जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदे को सीधा करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा। यहाँ पे दो का एक किया, एक फंदा घटा, यहाँ पे जाली देने से फंदा बैलेंस हो गया। तो ये हमारे पांच फंदे डिवाइडर के हो गए। अब चूंकि डिवाइडर के दोनों तरफ जाली देते हैं, इसलिए ऊन अपनी ओर करेंगे, ये हमारा दूसरा आस्तीन है, तो आठ फंदे हम सीधा बना लेंगे। अब ये हमारा फोर्थ डिवाइडर आ गया। तो जब फिर से ध्यान दीजिएगा, उनको अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा। यहाँ पे एक फंदा घट गया, ये जाली जो है वो डिवाइडर के दूसरी डिवाइडर का दूसरी तरफ जो जाली पड़ता है ये वो है, तो इस फंदे को, यहाँ एक फंदा घट गया तो इसको बैलेंस करने के लिए ऊन अपनी ओर करेंगे और अगले फंदे में जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। तो यहाँ पे हमारा फंदा बैलेंस हुआ।
अब अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा करेंगे और दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। यहाँ पे हम दो का एक कर रहे हैं, एक फंदा घट रहा है और जाली देने से एक फंदा बढ़ रहा है, यानी यहाँ फंदा बैलेंस हो गया। और फिर डिवाइडर के दोनों तरफ चूँकि हम जाली देते हैं इसलिए उन अपनी ओर करेंगे और शेष सभी फंदे सीधे बना लेंगे। ये हमारा सेकंड फ्रंट पार्ट है और जाली और बॉर्डर चूँकि हम सीधे सीधे बुन रहे हैं इसलिए सारे फंदे सीधे बना लेंगे। अब पर्ल वाइज ऐसे सिलाई डालेंगे। सात फंदा हमारा बॉर्डर है तो ये पहला फंदा हो गया, छः फंदा और सीधा बना लेंगे। तो ये सात फंदे बॉर्डर के हो गए, उन अपनी ओर करेंगे, सभी फंदे उल्टे बनाएंगे और लास्ट के सात फंदे बॉर्डर के हम सीधे बना लेंगे। अब ये बॉर्डर के बाद ये पांचवा लाइन है, ऐसे पर्ल वाइज डालेंगे, उन दूसरी ओर करेंगे, सात फंदा बॉर्डर का, आठ फंदा फ्रंट का। अब देखिए हम अपने ये डिवाइडर के पास आए हैं तो उन अपनी ओर करेंगे और ये पांच फंदे डिवाइडर के सीधे बना लेंगे, यानी जैसे हमने पहले लाइन में किया था, पांच फंदे डिवाइडर के सीधे बना लेंगे। और फिर डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है तो जाली देंगे, आस्तीन के फंदे सीधे बना लेंगे। फिर डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है और इस लाइन में ये डिवाइडर जो है वो चार लाइन का, ये डिज़ाइन जो है वो चार लाइन का है तो हम सभी फंदे सीधे बना लेंगे, यानी डिवाइडर के पांच फंदे हम सीधे बनाएंगे और हर डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है तो हम जाली देते रहेंगे। तो इसी तरह हम पूरी लाइन कंप्लीट करेंगे, डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है तो जाली देंगे और डिवाइडर को सीधा बना लेंगे। तो मैं कंप्लीट करके दिखाती हूँ। बैक साइड से हर लाइन में हम पहले सात फंदे और लास्ट के सात फंदे सीधे बनाएंगे और बीच के सभी फंदे उल्टे बनाएंगे। ऐसा हमें हर लाइन में, हर पिछली लाइन में करना होगा। फिर हम सामने की तरफ आ गए हैं और सभी फंदे सीधे बुनते हुए हम डिवाइडर के पास आ गए हैं तो यहाँ पे हम अपना डिज़ाइन डालेंगे। चूँकि डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है तो उन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे। अब यहाँ पे ये जाली जो है वो डिवाइडर का है, डिवाइडर के दोनों तरफ जो बनता है वो है। यहाँ पे हमने दो फंदा का एक किया यानी एक फंदा घट गया। इसे बैलेंस करने के लिए उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए सीधा बनाएंगे और फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा करेंगे और फिर दो फंदे को एक साथ लेंगे और बैक लूप से जाली देते हुए एक सीधा फंदा बनाएंगे। यहाँ पे दो का एक किया और साथ में जाली पड़ा है तो हमारे फंदे बैलेंस हो गए। देखिए ये हमारा पांच फंदा डिवाइडर का है और फिर डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है इसलिए उन अपनी ओर करेंगे और जाली देते हुए ये आस्तीन के फंदे बुन लेंगे। अब हम फिर डिवाइडर के पास आ गए हैं तो फिर से ध्यान से देख लीजिएगा, उन अपनी ओर करेंगे, चूँकि डिवाइडर के दोनों तरफ हमें जाली देना है इसलिए उन अपनी ओर करेंगे। अब ये डिवाइडर वाला डिज़ाइन पड़ रहा है तो देखिएगा दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक किया, यहाँ पे एक फंदा घट गया इसलिए उन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा बनाएंगे, फिर उन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा करेंगे और दो फंदों को लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे। यहाँ पे दो का एक किया और साथ में जाली भी दिया तो ये हमारे फंदे बैलेंस हो गए। ये पांच फंदे का हमारा डिवाइडर बन गया और फिर
इसी तरह ये देखिए चार लाइन का हमारा ये डिवाइडर है, ये डिज़ाइन जो है वो चार लाइन का है। तो अब इसी तरह हम ये जाली देते हुए बैक पोर्शन भी सीधा बुन लेंगे और दूसरी तरफ आ जाएंगे। बैक पोर्शन के सभी फंदे सीधे बुनते हुए अब हम थर्ड डिवाइडर के पास आ गए हैं। तो ऊन अपनी ओर करेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और दो का एक किया, फिर ऊन अपनी ओर लेंगे, जाली देते हुए अगला फंदा सीधा बनाएंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को ऐसे सीधा करेंगे और दो फंदों को लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, ऊन अपनी ओर करेंगे और ये आस्तीन के फंदे सीधे बना लेंगे। देखिए हम फोर्थ डिवाइडर के पास आ गए हैं। तो ऊन अपनी ओर लेंगे, दो फंदों को एक साथ लेंगे और जाली देते हुए दो का एक किया, सीधा बनाया, ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को जाली देते हुए सीधा, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे, अगले फंदे को सीधा करेंगे, वापस बाएं सिलाई में चढ़ाएंगे, दो फंदों को लेंगे और बैक लूप से एक सीधा फंदा बना लेंगे, फिर ऊन अपनी ओर करेंगे और सभी फंदे सीधे बना लेंगे। हर उल्टी लाइन की तरह हमें शुरुआत के सात फंदे और लास्ट के सात फंदे सीधे बुनने हैं, बीच के सभी फंदे उल्टे बुनने हैं। सभी फंदे सीधे बनाते हुए देखिए हम डिवाइडर के पास आ गए हैं। तो इस लाइन में हमें ऊन अपनी ओर करना है और डिवाइडर के पांचों फंदे सीधे बना लेने हैं। तो ये डिज़ाइन चार लाइन का है और ये दो डिज़ाइन बन गया है। हमें मुड्ढे तक पहुंचने के लिए 10 डिज़ाइन बनाना है, यानी दो बन गया है, 8 और बनाना है तो हमारा मुड्ढा कंप्लीट हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, ये 10 डिज़ाइन बन गया है, यानी कि डिवाइडर के दोनों ओर 20-20 जालियां बन गई हैं और हमारा स्वेटर कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ है। अब मैं इसे आपको खोल के दिखाती हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारा स्वेटर कुछ इस तरह बन के तैयार हुआ है। तो अगले पार्ट में हम इसका आस्तीन बनाएंगे। तो यदि आपको मेरा ये तरीका अच्छा लगा हो तो आप भी इसे अपनाएं, इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, डिज़ाइन को अपने दोस्तों में, अपने रिश्तेदारों में शेयर करें, बेल आइकन प्रेस करें ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।